अच्छा बाबू जी, बड़ा ही सौभाग्य है कि आप लोगों के आज बीच में हमें एक बार फिर प्रस्तुत होने के मौका मिलल और भोजपुरी कैसेट फिल्म की दुनिया से। बाबा देखें जोने बिरहा के आप लोग बहुत चॉइस के लिए बहुत पसंद के लिए हर मंच पे फरमाइश के को बिरहा के आज भी आप गवाई ला। ऐसे श्रोता बंधुन के चरणन में हम नमन प्रणाम करते ली। हम गायक कलाकार राम जन्म जाबाज टोपी वाला एंड पार्टी और फिर आपके बीच में वही उम्मीद वही आस के साथ और एक विश्वास के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं भक्त पोरलमल भरथरी दर्शन के दूसरा भाग के साथ। हमारे बड़े भैया हमारे गार्जियनशिप में श्रीमान बेचू यादव जी दिल्ली वाले और हमारे सहयोगी कलाकार हैं हमारे भाई श्यामदेव प्रजापति। हमें पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग जरूर के पसंद कर जाइए और देखिए बड़ा दिन से कर मांग रल कि राम जन्म बाबू आप अपन दूसरा नंबर छोड़ें तो आपके बीच में प्रस्तुति हमारे दूसरे नंबर की है। आइए चलते हैं भक्त पूरनमल भरथरी दर्शन के दूसरे भाग की ओर। भूमिका ने कहना है नंदलाल बाबू तनि स्वर बना के दे बेटा। हुस्नवा दे हुस्नवा दे से अपने मुकर जाए जब कितने अरमानों का कत्ल हो जाता है आशिकों को कफन की जरूरत नहीं हुस्न हाथों सपने जब दफनाता है नैन पूरन के बन में निकाले गए मार डाले गए हुस्न की छाव में एक हसरत फुलंदा की हद कर गई रो दिया दिल किसी का किसी ठाव में। नैन पूरन के बन में निकाले गए मार डाले गए हुस्न की छाव में एक हुसरत फुलंदा की हद कर गई रो दिया दिल किसी का किसी ठाव में। ए बाबू यहाँ तक आप लोग कहानी सुन ले ली है। एकरे आगे का होत बा एक लाइन टोपी वाले के कव्वाली लग गई जरा एक नंबर की टोपी हमारी थमा दो मुन्ना कौन सी टोपी है लाइए दीजिए। अच्छी बात आप सब लोग लगाकर दुलाइन हमें नात कथा देना बेटा। आओ दो मुन्ना आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बस सुपर वाले की रहमो करम है। सुकून से है ना? बिल्कुल। अच्छी बात। आदाब? अरे पूरा दाब की। गलत अल्फाज नहीं बोलने का जनाब। ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी या खुद मैं मुसलमान नहीं है। क्या है? हम सब हिंदू हैं लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की। मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्या हिंदू क्या सिख क्या ईसाई क्या मुसलमान सबका मालिक वही राम है वही रहमान है वही वाहिगुरु वही गॉड है। इसलिए टोपी वाला कहता है क्या क्या कहता बाबू आओ। मदीने की गलियों में मदीने की गलियों में घूमे हाजी मोहम्मद सही के कदम चूम लेंगे। जाएगा ओम की जान बनकर जाएगा एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा एक हिंदू मदीने के जानी अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गांव में खजूरों की छांव में
जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा हजरत के पांव में। कौन सी कवाली नंदलाल बाबू बजा दे बेटा। आज शिकाना पॉइंट है मुन्ना, आइए लाल। आशिक मासूका से कहता है, क्या क्या कहता है बाबू आइए। तीखी नजरे, ओ माय डार्लिंग, अरे तीखी नजरे चला दीजिए, चला दीजिए, कम से कम मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, ये कवाली हमारे संजय बाबू यादव परिवार हाजीपुर वाले के बहुत पसंदीदा, बहुत पसंदीदा हमारा छोटा भाई है। और उनके ही इशारे पे ही लिखला हमें बेचू कवि जी। लेकिन हम बताइए कव्वाली बदल जाए और हमारे टोपी का कलर बदल जाए। आज तोहार कलर कब बदली, तो लोग पागल हुआ। अरे यार हम बताइए काला को काला न समझो, काला सब में आला है, काली पुतली काला सुरमा, ओ माय डियर आंख में रहने वाला है। लेकिन गाना में भाव लिखल गल कैसे नंदलाल आ बेटा। रूप रोशन कराया गया है, लाखों यारी मां सजा या गया, ए बाबू यहां तक कहानी आप लोग जाने थे। रानी फुलंदा पूरन प्यासी खो गई, सोची न जवानी की दरिया में खो गई, इनकार किए पूरन अंजाम मिला भारी, आंखें गई निसारी सीने चुभी कटारी, बाबा को रखने देखा तो जिंदा कर दिया और चेला बनाकर अपने ही साथ ले लिया। गुरु गोरखनाथ पूरन मलकी जिंदा किले बाबू, 12 साल योग सिखौलन, आज अब 13वां साल लगल, कल ये बचवा पूरनमल, कल जी गुरुजी, कल लाल तू जोगी हो गिला, कल गुरुजी आदेश, कल बेटा तुहार परीक्षा ले, कल गुरुजी ले ली, कल ये भैया, कल बेटा यहाँ ना जौन तुहार माई आंख कलेजा निकलौले रहुए,
सियालकोट नगरी में तोहरा के जाए खोई आ वही माई से आधी रोटी के टुकड़ा मांग के लेके आवे खोई। ईमान न डिगे बेटा तब तक समझब सच्चा जोगी। ए बाबू सियालकोट नगरी में गई लेन माई फुलंदा से आधी रोटी के टुकड़ा लेके गुरु जी के दहलन गुरु गोरखनाथ सोचलन कि ए बेटा आप तोहरा के मठ के मठाधीश बना दी। यहाँ तक आप लोग सुन ले बाबू जी, लेकिन जब ही गुरु गोरखनाथ मठाधीशी देवे के पूरन मल के चलना है तो ये बाबू तब तक भयल का भयल इतराज हो गल। पहले के जो उन चेला लोग रहलन इतराज कर दिलन ये भाई हई ही देखा हम लोग 25 साल से 30 साल से झोरी गुदरी ढो थी जा हमन के मठाधीशिये ना मिलल इस चार दिन कल अंडा आयल एक एक गुरु जी मठाधीशी लगल देवी ना हुई। जब जोगी लोग इतराज कैला हा तब गुरु गोरखनाथ पूरन मल से बोला के गो बात कहले बिरहम कलन गीत लगल बाबू फिल्म का नाम बा गंगा किनारे मोरा गाँव तनी बजा दे मुन्ना अरे कहे के तो सब केहू आपन कहे के तो सब केहू आपन आपन कहावी वाला की किने बाबू गुरु गोरखनाथ जोगी पूरन मल के बुला के का कला हा कहे के त सभे केहू जोगी ए बचवा कहे के त सभे केहू जोगी जोगी कहावे वाला के बा कालन के बेटा तुहार परीक्षा तो ले ली अरे तुहरे हाथ से भिक्षा तो ले ली लेकिन ये बाबू अब तुहरे ऊपर जब इतराज लोगन को हो गल तो तुहार एगो और परीक्षा ले तुहरा के एक जगह और जाए खोई लाल कहना गुरु जी हमके कहा जाए खोई तब गुरु जी बताओ थो का बतौल बाबू अरे सिंहपुर के वीर सिंह की विधवा है रानी तन पे जवानी वाला नूरी नाम उसका सुंदरी है भिक्षा ले आओ भोगवा से रहा न है दूरी क्या बात है नंदलाल सारा पूरा वे वाला की बात
कहना ये बेटा यहाँ से थोड़ी दूर पे रियासत बजोने का नाम बस सिंहपुर, वो सिंहपुर नगरी का राजा रहलन जेकर नाम रहल बाबू वीर सिंह। ये लाल भरल जवानी में उनकर निधन हो गल, वो रियासत का मालकिन के बा वही राजा वीर सिंह का दुल्हिन महारानी जेकर नाम सुंदरी बा। इतना सुंदर, इतना सुंदर, अति सुंदर ही बाबू, करोड़ों काम देव मुग्ध हो जाना उनके सुंदरता के ऊपर। वही रानी सुंदरी के पास जा बेटा, अभिच्छा लेके आवा, ईमान न डिगे तब तक समझब सच्चा जोगी। लेकिन याद रखिया बेटा, जितना चेला भेजली आज तक वो रानी सुंदरी के दरबार में पूरनमल कुल चेला लगल झोल, रानी सुंदरी के देख के खेला कर लगल, झोरी गुदरी फेंक के लिप्त हो गए खेला में। ए भैया भोर के बेला रहल जब गुरु गोरखनाथ कितना बात सुनल है जोगी पूरल मल, तब गुरु जी के पैर पकड़न चरण पकड़न और चल दल। आज जब चलने पंचो तो यहाँ एक लाइन गीत लग गए लाल, कौन गीत बेटा आवा आए, 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 आए। बड़ी मिजाजदार गीत बता दिला लाल, कौन गीत बा लाल। अरे गोरी रे गोरी रूप की छोरी, अरे गोरी रे गोरी रूप की छोरी, हाय छतियों को उठाने जान मारे कजरवारे बरछी समान जान मारे। लेकिन चलल हुआ जोगी पूरन मल जब केशव भैया तो उनकर भेष कैसा ले बाबू तनी से ई देखे। अरे जोगी रे जोगी रूप बियोगी, जोगी रे जोगी रूप बियोगी, चला है यज्ञ मान तान छेड़े सरंगिया रे मधुकर समान तान छेड़े। रूप के द्वारे जायल खा जगाई, रानी से दास रानी ने दासी से भिक्षा पठाई, तान छेड़े सरंगी अरे मधुकरी समान। ए भैया पहुंच गया सिंहपुर नगरी में, सिंहपुर नगरी में जाए के नगर में फेरी लगौले हैं। अरे बाबू फेरी लगाए के रानी सुंदरी के किला के सामने जब गई लें तक उदरी बिछा दिले, सरंगी निकाल लें, लगले बजावे भजन के गाओ थो, लेकिन इससे पहले अलख जगा दिले। जय गुरु गोरख अलख निरंजन। तरानी सुंदरी अब अपने हाथ से भिक्षा ना दे, चूंकि जितना अपने हाथ से जितना जोगी संत साधु फकीर जेके भी अपने हाथ से भिक्षा दे ले बाबू ने, वो जोगी से भोगी होगल पागल होगल। यही से अपने हाथ से दे बंद कर ले रहल, एगो दासी रख ले रहल, वही दासी के हाथ से रानी सुंदरी भिक्षा भेजवा देल करे। कालस करे एरा ए दासी, अरे देखबी रे कौन त गलिया में दुआरवा पाके जोगी सवेरे वक्त टाइम अलख जगावत है, ले जाके के भिक्षा दे दे। अच्छा ते बाबू दासी हीरा मोती रतन के भिक्षा सदाई के थाल में जब आई ले, आज योगी पूरन मल के जब देखले बाबू त दसियवा कल हाय हाय रे, बड़ा नीमन बड़ा सुघर जोगी बाहो,
जिंदगी में ऐसा जोगी कबो ना देखली। वाह अच्छा तई तो दसियोवे कहत रहल, लेकिन पूरन मल जब दासी के देखलन तो कहलन कि भाई गुरु जी कहल कि अति सुंदर है, करोड़ों काम दे मुग्ध हो जाले, लेकिन ये तो ऐसा नहीं लगत है, पूछ बैठल कल क्यों माँ क्या आप रानी सुंदरी हो का, रानी सुंदरी हो क्या माँ कल ना ना जा हो जा रानी सुंदरी के देखबा तो पागल हो जीबा, तू जा है भिक्षा ले ला, निकल जा निकल जा निकल जा। आ ना यकीन हो तो नीचा माँ देख लो चार छह लोग घूमत हो पागल बन हुआ बिगड़ गिना जोगी पूरन मल कला रे माँ मैं वैसा जोगी नहीं हूँ जो कि तुम्हारे रानी सुंदरी को देख करके पागल हो जाऊं और तुम्हारे हाथ से हम भिक्षा भी नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सिर्फ रानी सुंदरी के हाथ से लेंगे। दसियो अकल अच्छा तई बात बा तो अंत पगले ही रहे ना सुन तुम अभी तो के दवाई ना मिली तो के दवाई ना मिली है कहत बरबरात बुदबुदात भनभनात भिक्षा लेके वापस गई रानी सुंदरी जब देखल से तो कल का रे तो ना ले ले का बाबा तोरे हाथ से ना ले ले का बाबा लंबा पड़ला भैया बाबू थोड़ा सा बोलल करा लंबा कल का रे तोरे हाथ से ना ले ले का कल नाई महारानी उ तो बड़ा जिद्दी लगत है हाँ तो नये उम्र का वो आप कहाँ से भिक्षा ले रानी सुंदर के ले 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 देता छोड़ के भिक्षा दासी के हाथ से आए बाबू मालूम है 15 प्रकार के श्रृंगार कैलस 15 प्रकार का मेहरारून के श्रृंगार 16 प्रकार खोला बाबू लेकिन विधवा रहल मांग में सिंदूर ना पहिनलस आ बाकी आप पूरा श्रृंगार कई के आ हाथ में भिक्षा वाली थाल लेके ऊपर से जब नीचे उतरते हो तो हमें महसूस होता कि उजने कवि जी खड़ा होके देखत ना का इतना सुंदर लिखले हो मास्टर का लिखले लाल आवा थाली में लेके हीरा मोतिया हुस्न की हूर चली अरुणाचल के लाली में हुस्न की हूर चली अरुणाचल के लाली में थाली में लेके हीरा मोतिया ए बाबू अरे इतना सुंदर लगे हो होठ पे होठ लाली कान में कनबाली हाथ में भिक्षा वाली थाली आ पूरब से सूरज का लाली लेके रानी सुंदरी जब नीचे उतरत हल बाबू अब पांच गो सीढ़ी उतरे के रहल तब ओकर नजर कहाँ पड़ल जोगी पूरन मल पर आज पूरन मल के देखल हो पंचो तो मोहाय गई अब यहाँ उल्टा हो गए मनोज भैया ए बाबू उल्टा हो गल कुल तो जोगी के देख के रानी के मोहाय लेकिन रनियों देख के जोगी के मोहाय गई तर्ज बड़ी रंगीन लग गई ई माटी के गीत बा नंदलाल कौन दुल्हन के दुल्हा रिक्शा चलावत हलन तब तो बढ़िया पैसा कमात रहल हो ए बाबू निके पैसा आपो कमेबा के सगड़ी खरीद ला ई ब्यास बाग तरना से खिचिया हरहुआ तक जला कवन गीत बा दुल्हनिया कला ए सैया ना असली तो फसलिए बनवा दा एक ठे गाना बनवा दा कौन गाना मंगलल मास्टर आए हाय हाय अरे पितरी कली अहा पितरी कली अहा झूला नी आई बालम मछरी के काटी असी अरे मछरी के काटी के गढ़नी आई पाला
लेकिन गौर करेंगे बाबू लोग, रानी सुंदरी जोगी पूरल मल के जब देखला हो तब खोली खोली देखली, अरे खोली खोली देखली नजरिया रानी, नजरिया नवक, अरे भूली गली त नवक खबर आई रानी, खबर आई कले, अरे कौन निर्दयी गुरु रहल हो, चवन कांचो उम्र में जोगी बनाए देलस, पूरन मल टन से खड़ा हो गए, कहलन की माँ गुरु रहल ना, गुरु जी हूँ मैं, हमरे गुरु जी के आदर्श सूचक शब्द से बोलाओ माई, हमरे गुरु जी के अपमान से नाम मतला चुकी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कल के हाँ आ काहे ए रूप में आ यही उम्र में जोगी बन गया, अरे तोहके महल के राजकुमार हो चाहत रहा, खेले खाए कुमार तुहार है, लेकिन ये सब झोरी गुदरी फेंक दा, कल नाई माई भिक्षा 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 ए भैया लगन नयन का बान चलावे हो, अरे नैन बान मारी मारी हारी गईली गोरी, अभी छा चुकाए चली चंचल चकोरी, अरे काली फिक सरंगी हाय गुदरिया ये रानी, भूल गली त नमक खबरिया रोनी, कली सरंगी गुदरी फेंक दा, आवा 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 ई महलिये तोरे नामे लिख दे पेड़ा छील के खा, बेसाढ़ी का दही खींचा, ई कौन दही होले बाबू, वह सपरेटा वाली होला भैया, अच्छा अच्छा सड़िया, हाँ ये बाबू खा गई ना, ये कुल्ला कह कहला सुबिया, लेकिन ध्यान दे पंचो, रानी सुंदरी वही हीरा मोती रतन का भिक्षा झोली में डल से कला जा पस्तैबा, हमरे मन का किताब ना पढ़त हो मितऊ, तो के मने मन अपन मीत मान ले ली, लेकिन जा पस्तैबा, वापस पहले झोली में हीरा मोती रतन ली के अलियाय के गुरु गोरखनाथ के सामने जब जोगी पूरन मल खोलने हैं पंचो, आज झोली में जब हीरा मोती रतन गुरु जी देखले हो तब तब माथा ठोके लगल, आ माथा ठोके के बात कल फिर हम गीत लगे मुन्ना, कौन गीत बलाल आवा, है 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 ये तोरे जन्म के पहले के गीत है, वाह तो ये कैसे जल्ला, इनके राम जन्म बताऊं ना, तब बजा दे भैया ये गीत के, रामदेव गुरु बड़ी पीस के काम अपने जमाने के आलम में, कौन गीत लाल मोरावारी, अरे मोरावारी कहे ना बधावले चारों घटिया, मोरावारी गाना में भाव है बाबू, गुरु जी बुलाए के जोगी पूरन मल के कलंक ये बचवा, एगो हमार बात सुन लेता लाल, अरे जे जोगी हो गलो के हीरा मोती रतन न चाहिए लाल, हाथी ना चाहिए महल ना चाहिए, आ घोड़ा हाथी बग्गी ना चाहिए, चाहिए का किस्मत बेटा फूटे नहीं भा
अरे गोरखिना ते कहे बात साफ समझाई की आ रोटी मांगा लावा बेटा मोती लावा टाई की जगवा में बारह जनी तू तो खोदवा काया गिया जोगिया जा वापस दे दिया रानी सुंदरी की आए लाल आधी रोटी मांग के लिया बचवा ये हीरा मोती ना चाहिए कहला पुरल मल की गुरुजी हमारे दोस्त नहीं है आप पहले में अगर कले होता कि बचवा रोटियां मांग ली है मोती ना चाहिए तो हम रोटियां मांग ले हुई ए बाबू जी दूसरे दिन भोर कबेला है अब फिर जो हीरा मोती रतन का वह झोली लेना है आजाद के रानी सुंदरी के सिंहपुर के नगरी में अलग जगह दिल जय गुरु गोरख अलग निरंजन रानी सुंदरी कल हरे दासी देख आज कौन देखर थे रे इतिया जानल पहचाना लगत बा तसियवा ऊपर से झकलस ऊपर से नीचवा झाँक के कलश के अरे महारानी अरे तो कलहिया वाला है कलहिया वाला है कल कलर रु 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 कलहिया वाला तो तू न जेबी हम जाई हम तो जनत है हो उतई बे करी सर 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 नीचे आई रानी सुंदरी पूरन मल के जब देख ले कल काम इतऊ आई गिला न हम तो जंतर लिखे बा करबा आईला तो बहरवा कबाटा अंदर में चलिए बा आवा पोरल मलकला की माई मोती वापस बदले में रोटी ई मोती वापस ले माई एकरे बदले में हमके रोटी दे दा बिगड़ गई कहला कि कौन निर्दयी गुरु हो ये गुरु के मोती ना भावल रोटी चाहता कहला माई कहली ना कि गुरु है ना गुरु जी हूँ हमार गुरु जी गोरखनाथ हुए आ उन्हीं के आसिम कृपा हमारे जिंदगी का वो भगवान हो माई कल अच्छा अच्छा तो तोहके गुरु गोरखनाथ जोगी बना दिल तनी परिचय दे देता तो लगल परिचय बतावे आ कालस क्या तोरे गुरु के 56 प्रकार के व्यंजन खियाई ए भैया लगले गुरु गोरखनाथ के परिचय बताए बिरहा में गंगा माई के गीत लगे मुन्ना बता दे बेटा यही पार गंगा माई वही पार जमुना हो वही पार जमुना ये माई वही पार कहला जोगी पूरनमल माई तो ये जानल चाहता हूँ कि हमार गुरु के बा हम काहे जोगी बन गेली तो लगले बतावे हो बाबू का बतौले भक्ति भजनिया में लगली लगनिया
कहला रानी सुंदरी की जब गोरखपुर गईला तब का भेल बाबा, तब बतावत हो का बतले बाबू। अरे गुरु गोरखनाथ जी से आले हाली गुदारिया हो, हमार गुरु गोरखनाथ हम आई। और जब रानी सुंदरी की सुंदरी सुनलस कि तोहार गुरु गोरखनाथ हो, हे बाबू 56 प्रकार के व्यंजन लेके हुई बग्गी पर बैठल, कले आवा आवा तुह बैठ जा। लेकिन पूरन मल कले कि नहीं माई, हमार गुरु जी कले हुए कि जे जोगी हो गल ओके बग्गी ना चाहिए, महल ना चाहिए, हाथी ना चाहिए, घोड़ा ना चाहिए, हमें आगे आगे चलत ही माई, तो पीछे पीछे आवा ना। ए बाबू आगे आगे जोगी पूरनमल, पीछे पीछे रानी सुंदरी बग्गी पर सवार होके आज अब आश्रम के पास पहुंचल तो वही गेट पर जाके खड़ा रहल। कलम आई, पैर के जूती निकाल दा, सामने देखा गुरु जी बैठल हुए, आए अगल बगल ई रेवटी है आश्रम में से चले खेतों के, पैर के जूती निकाल के पंचो आ रानी सुंदरी हाथ में भिक्षा, अरे व्यंजन का भोजन का थाल लेके आ गुरु गोरखनाथ को जब चले लगल हो, ते बाबू करे पाँव के पायल कैसे बजे मास्टर आ बेटा। बारे नंदलाल छम छम पायलिया बाजई हो मठिया में, ले जाए के व्यंजन के थाल गुरु जी के सामने परोसलस, कल ला हो खाए ला। 3 दिन से काट कुश में हमारे मितऊ के दौड़ावत हुआ, गुरु गोरखनाथ की आंखें बंद है, कलन बेटी मांग ले, मैंने खा लिया, यह गुरु दरबार है, साचा दरबार है, जो मांगेगी सो मिलेगा। रनियवा कल आन्हर का आंख खोल बैना किला, हाथ लगई बैना किलस, कथा मैंने खा लिया, आनहर गुरु बहिर चेला, मांगा गुड़ लिया हुआ ढेला,
तुकबंदी में बैठा बाबू, तीन दिन सकरे चेला के बुलाओ थे करे कान पर जूतक ना रेंगा था बाबा। आज कथा कि या गुरु के पास चली तो खे ना खुलस, तब रानी सुंदरी कलश के बाबा देवा कल बेटी अवश्य मांग ले। कल तीन बचंदा कलंक की बेटी, संत की एक ही वाणी काफी होती है। तो तीन बचान बनाए के कल अगर बड़ा खुश हुआ तो बारह घड़ी के रात होले, एक रात के लिए इस चेलावा के हमके दे दा। भौंक से अखिए गुरु जी के खुल गई। आज जब आंख खुलल है तो बाबू जी मालूम है के देखल है, रानी सुंदरी पे आंख नजर ना पड़ल, बगल में पूरल मल हल, पूरल मल के जब देखल है कल ये बच्चा वचन दे दिली बेटा रानी सुंदरी के महल में जाके अब बारह घड़ी के रात बिता के आवे के जा बेटा। पूरन मल कल गुरु जी रोटिया लिया नहीं, कल मैंने पा लिया बेटा। ए भैया जो ही आदेश पौलत धैले पूरन मल के लदलस बग्घी पर लात के तड़तर तड़तर करकड़ करकड़ तड़तर तड़तर करकड़ करकड़ तड़तर तड़तर करकड़ करकड़ बग्घी दौड़त आई सिंहपुर के नगरी में। द्वारपाल दौड़ना महारानी अली महारानी अली महारानी अली, दौड़ो मत, ये हमारे मन के मीत है। इनके बसन इनके बदन का गिरुआ बसन उतार करके राजसी पोशाक चढ़ा करके हमारे निवास में ले आओ। इतना आदेश कैले जब बाबूजी जाए के जितना कुल रहना होकर सब सैनिक रहें, जितना रात दरबारी रहें पकड़ के जौन हो पूरन मल के बदन से गिरुआ बसन उतार के राजसी पोशाक चढ़ाए के आंगन में लेके जब गई ना तब पूरन मल कलन के भाई तनी छोड़ा जा। अरनियमा जब अंदर में गई तो जितना होकर लौड़ी रहली दासी रहली चिड़िया रहली कुल लगली बलैया लेवे, अरे महारानी के जय हो महारानी के जय हो महारानी के कले जय जयकार बंद करो, हमारी सेज मखमली सजा दो। पहले नाइट बल्ब जलाओ। वो समय नाइट बल्ब जलत रहल काहे भैया लोग अन्हारा रहा का समय, वो समय पावर हाउस के अधिकारी रहना। तो फालतू बतियावला बाप बरगले अन्हारे घरे बेटवा का ना पावर हाउस। ए भैया ये बात नहीं रहल, सजाए के मखमली सेज वही सेज पर रानी जोन है अपने बदन पर बड़ा कम कपड़ा पहन के आप पूरन मल के इंतजार में क्या तब मांग लिया है। रात के चानी कटी ए भैया वही सेज पर अपने बदन के ईंट के तोड़े थे नागिन जैसन। अरे हम राम जनवी भाई तेरे पहचानल करा समय के देखा। आय यार पूरन मले भैया जब अंगनवा में पहुँचल हाँ तो महल के बीचों बीच आंगन आंगन के बीचों बीच पहुँचल तो कहले का बाबू आ बेटा। अरे गोरख की आज्ञा, ये भैया गोरख की आज्ञा, पे पूरन चली भैले वही किलवा में जाल हला या सल लगाए बोला। बीच आंगन में बैठ करके और शरीर का सारी शक्ति योग साधना के बल पर ये ब्रह्मांड में खिंचलन और खींच के ब्रह्मांड में पूरी शक्ति के जोन है वो शक्ति के डोर गुरुजी के हाथ में थमा दिले। कल गुरुजी अगर छूट जाए तो हम ना जाना तू जनबा तुहार ये भैया रनिवास जो है जो जब निकलल है वही महल में से रनिवास में फूकत निकलल तो कल अरे छोड़ाओ गुरु जी डोर धैले हुआन ए भैया रनिया में लगल पूरन मल के हिलावे लगल डोलावे बाबू कुछ रहा है शरीर में तब न शरीरिया एकदम पुआल जैसन है लुंज पुन झंडू हो गई है बेदम हो गई जेहर हिलौलस तेहर गिलने जेहर डोलौलस तेहर डोलने। हार के रानी सुंदरी जब बाबू जी घायल भइल ते के बात कहले का कहले मुन्ना बढ़ा ले बेटा जोगी नैन खोल के परी तरसे तरसे तुहरे बिन जवानिया के बोल के परी आ,
हुस्न की मलिका हुस्न के ऊपर दिल कर दी कुर्बान, मन के मेरे मीत से दी परी, अरे कर लो जात बिहान दान में, दान में हाजिर बाप दनिया रजब बोलो एक परी। कुछ रहा है तब न बोले, शरीर ये पूरा लिंज पुंजबा परेशान बाटे, ये भैया रनियावा जगाओ जगाओ जब हार गई, बदन के पूरा कपड़ा नोच के फेंक न उलस, तलवा में सूजा चुभौलस, अब पैर में जोन बा सुई चुभौलस, कहीं करेंटे ना हो, अंत में हार मान के रनियो हुई आंगन में एक लंगे जोन बा बाबू जी लस्त होके गिर गई लोट गई, मुंह से घाज आवत है झाक आवत हो गल सबे, आज जब बारह घड़ी जब बीतल है त गुरु जी का डोर छूट गई, आप पूरल मल के शरीर में जब शक्ति का संचार भयल है तो तन से खड़ा हो गए, आँख खुल गल, कलन की माँ माँ बारह घड़ी हो गया पूरा, माँ तुम्हारे महल में मैंने बिता लिया, माँ अब तो चल रहा हूँ, माँ हमारे हमारे गुरु जी की पूजा करने को वक्त हो गया, माँ अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन बाबू जब इतना सुनस के भाई ये तो बोले लगल तो आंगनवा में तनहारे न बा बहरवा जोर भल बा भूखाई बाघिन के नाई गुरुज के छोपल चहलस की, लेकिन दिगे न पूरन हो सवेरे पकड़े मटकीरा रानी तड़प तड़प के अपने अरे महल में भरती आह चाह में चाह में तज दली जिंदगानिया कि बोलाई के परी वही बाबूजी पूरन मल आए गुरु गोरख मठ में तो गुरु गोरखनाथ ने मठा दिशी दिया, नामकरण हुआ पूरन मल से नाम चेंज करके चौरंगी लाल रखा गया, आज भी आप मठ गोरखपुर में जाएंगे तो शीशा के अंदर पूरन मल की समाधि है, लिखा है कि सबसे कम उम्र का कोई मठाधीश हुआ तो चौरंगी लाल उर्फ पूरन मल। ये रहा भक्त पूरन मल भरथरी दर्शन का दूसरा भाग, बाबूजी बहुत पसंद आप लोग कह लीजा, आज एकर मांग हर मंच पे आप लोग करते रहने जा, आज आप लोगों के बीच में हमारा प्रस्तुति रहल, हमें उम्मीद और विश्वास बाकी आप लोगों के जरूर पसंद आई, तो आखिरी में कहा नाम बा कैसे बाबू गुरुदीन मोहम्मद राम सुख सिंह शिवदन की बानी कथन करे तो हरिद्वार संगम्बिका बेचू ज्ञान थाली में लेके हीरा मोतिया कलम की कोर फंसी कविता की जा डाली में, थाली में लेके हीरा मोतिया